आज की वीडियो की शुरुआत मैं कर रहा हूँ दिल्ली मेट्रो के सुहाने सफ़र के साथ। आई गॉट अ चांस टू ट्रैवल इन मेट्रो आफ्टर 2 ईयर, सो आई एम सो एक्साइटेड। दिस इज़ अ दिल्ली'स प्रोमिनेंट हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल। आई हैव टू विजिट हियर सून फॉर माय वैक्सीनेशन। तो अब मुझे मेट्रो चेंज करनी है, मुझे सेकंड मेट्रो लेनी है, येलो लाइन। तो येलो लाइन लेने के लिए मैं ये जो साइन है इसको फॉलो करूँगा, फुट स्टेप है, इसको फॉलो करूँगा तो मैं उस स्टेशन पे पहुँच जाऊँगा। थैंक यू भैया। और अभी मैं हूँ पालिका बाज़ार में। ये पालिका बाज़ार की ऊपर की मार्केट है। अभी मैं नीचे भी जाऊँगा और नीचे देखेंगे कैसी मार्केट होती है। ये दिल्ली का पालिका बाज़ार है जो अंडरग्राउंड में लगता है, और ये दिल्ली की एक बहुत ही अच्छी मार्केट है। मुझे खुद भी जब भी अपने लिए कुछ कपड़े ख़रीदने होते हैं, लेटेस्ट फैशन के कपड़े ख़रीदने होते हैं, तो मैं इस मार्केट में आता हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आना। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज़ हेमंत यादव एंड आज मैं आया हूँ जंतर मंतर, जो कि दिल्ली में है। अक्सर हमने किताबों में पढ़ा है जंतर मंतर के बारे में, और अगर आप दिल्ली में नहीं रहते हैं और अगर आपने जंतर मंतर नहीं देखा है तो मैं आज आपको अपने वीडियो के थ्रू जंतर मंतर दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए देखते हैं जंतर मंतर में क्या क्या चीज़ें हैं। आई थिंक जंतर मंतर एक वॉच है पुरानी, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं पता है। चलो अभी देखते हैं और जानते हैं इसके बारे में और क्या क्या है। यहाँ पे कुछ सस्ता मासा यंत्र के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, तो ये कुछ मतलब सन से रिलेटेड है, आप देखिए। इसमें जंतर मंतर महाराजा जय सिंह के द्वारा 1724 में बनवाया गया था। गाइस अभी यहाँ पे गर्मी बढ़ रही है थोड़ी थोड़ी, और मुझे लग रही है प्यास, इसलिए मैं पानी पीने के लिए यहाँ पे रुका हूँ और पानी पी के फिर आगे देखते हैं और क्या चीज़ है। जंतर मंतर दिल्ली में होने के साथ साथ आपको वाराणसी, उज्जैन और मथुरा में भी इसी तरह का जंतर मंतर देखने को मिल सकता है। जंतर मंतर के अंदर ही हूँ, और जो बिल्डिंग आप पीछे देख रहे हैं इसको कहते हैं राम यंत्र। इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग। अब जंतर मंतर में भी टिकट ऑनलाइन हो गई है, और यहाँ पे मोस्टली ज़्यादा क्राउड आता नहीं है। यहाँ पे लेस क्राउड होता है, बट ये जगह आपको 100% देखनी चाहिए। तो मोस्टली जो हमने किताबों में देखा है, जो इमेज हम जंतर मंतर की देखते हैं किताबों में, उस बिल्डिंग को मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली वो बिल्डिंग कौन सी है।
तो मैं अभी वहीं पे जा रहा हूँ और फिर वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि जो किताबों में जंतर मंतर की जो इमेज होती है वो कौन सी है। तो चलो वहाँ पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ अ मिस्र बिल्डिंग एंड जो भी हम किताबों में जंतर मंतर की जो इमेज देखते हैं ना, वो यही बिल्डिंग की होती है। लेकिन एक्चुअल में जंतर मंतर इस पूरे एरिया को कहा जाता है और इस बिल्डिंग का नाम है मिस्र यंत्र। तो आइए इसको क्लोजअप से देखते हैं कैसा है। गाइज, ये था दिल्ली का जंतर मंतर। पीछे देखो, ये है, यही है पूरा जंतर मंतर, इसी को कहते हैं। तो जब कभी भी आप जंतर मंतर आएँ तो आपको सीधा पालिका बाज़ार के पास आना है और टिकट यहाँ पे आई थिंक ऑनलाइन आपको 20 रुपये की मिलेगी और ऑफलाइन टिकट अभी नहीं मिल रही है, लेकिन अगर टिकट ऑफलाइन मिलेगी तो वो 25 रुपये की मिलेगी। और यहाँ से जो दिल्ली का जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, और जो मेट्रो है वो है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन। बसेस तो आपको यहाँ से कई मिल जाएंगी। तो गाइस, ये था दिल्ली का जंतर मंतर। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो सून।